हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टूडियो डाउन। मैं हूं कोमल और आज बॉलीवुड की कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही मां बनने वाली है। वही एक्ट्रेस इन दिनों सिंघम अगेन की शूटिंग में बिजी चल रही है। इस मूवी में दीपिका पादुकोण के अलावा कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। इसी बीच सिंघम अगेन की सेट से दीपिका पादुकोण की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में दीपिका पादुकोण सिंघम अगेन के कलाकारों के साथ दिखाई दे रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। अनुष्का शर्मा बेटे अकाय को जन्म देने के बाद पहली बार नजर आई हैं। इन तस्वीरों में अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली और आरसीबी की टीम के साथ नजर आ रही हैं। बताते चलें कि अनुष्का शर्मा ने अपने बेटे अकाय को जन्म देने के बाद पहली बार इस तरह से सामने आई है। उनकी फोटोज वायरल हो रही है। अनुष्का शर्मा की तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को हीरा मंडी में काफी पसंद किया जा रहा है। सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग की हर किसी ने जमकर तारीफ की है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनाक्षी भी राजनीति में कदम रखने वाली है। इस पर सोनाक्षी सिन्हा ने मजेदार जवाब दिया है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा है कि मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ, वहाँ आ गई तो वहाँ भी नेपोटिज्म ही करेंगे। मजाक को साइड करते हैं और मैं जानती हूँ कि मैं कभी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हो सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है। SS राजामौली की बाहुबली का क्रेज आज तक खत्म नहीं हुआ है। अब इसी से जुड़ी एक सीरीज आ रही है, बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड, जिसका मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज कर दिया है। साथ ही उसके रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है। बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड की रिलीज डेट की बात करें तो ये डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर 17 मई 2024 को रिलीज होगी। ग्राफिक इंडिया और आर्का मीडिया वर्कर प्रोडक्शन ने इसे बनाया है। अजय देवगन और अक्षय कुमार की दोस्ती अब उनके बच्चों तक जा पहुंची है। दरअसल आरफ कुमार और निशा देवगन यूरोप में पार्टी करते हुए नजर आए हैं। दोनों के साथ ओरी और तान्या श्रॉफ भी नजर आ रही हैं। ओरी ने ही इंस्टाग्राम पर पार्टी की इनसाइड फोटोज शेयर की हैं। इस फोटोज में ओरी के अलावा तीन और खास लोग नजर आ रहे हैं। ये है अजय देवगन काजोल की बेटी निशा देवगन, अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना के लाडले बेटे आरव और अहान सेठी की एक्स गर्लफ्रेंड तान्या श्रॉफ। एक्टर अजिंक्य देव की हाल ही में एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। फोटो के साथ एक्टर ने ये भी ऑफिशियल कर दिया है कि उनकी रणबीर कपूर की स्टारर रामायण मूवी में एंट्री हो गई है। मराठी एक्टर अजिंक्य देव ने हाल ही में अपने सोशल इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में अजिंक्य रणबीर कपूर के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। दी ग्रेट इंडियन कपिल शो के रैप अप होने की खबरें सामने आ रही हैं। इन्हीं खबरों पर कीकू शारदा ने कंफर्मेशन की मोहर लगा दी है और साथ ही कहा है कि वो लोग जल्द ही लौटेंगे, ये लंबा ब्रेक नहीं होगा। कॉमेडियन कीकू शारदा ने हाल ही में न्यूज 18 शोसा से बातचीत की, जहां कीकू शारदा ने बताया कि वो लोग 13 एपिसोड कर चुके हैं और दूसरा सीजन भी जल्द ही आएगा। हमने पहले सीजन के लिए रैप अप किया है। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान हिंदी सिनेमा के तीन सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। इसी बीच बॉलीवुड के मशहूर डांस कोरियोग्राफर ने इनके डांस स्टाइल को लेकर हैरान कर देने वाली बात कही है। अहमद खान ने कहा है कि ये तीनों अच्छे डांसर नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से ये अपने डांस मूव को एक नया मोड़ देते हैं और जैसे कि उनके फैंस में वो क्रेज बन जाता है। इन तीनों की खास बात यह है कि उनको पता है कि किस तरह से डांस मूव से जनता का दिल जीता जाता है। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में अरेस्ट हुए एक आरोपी ने सुसाइड कर लिया था, जिसके शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। बता दें कि आरोपी के भाई ने पुलिस पर अनुज की हत्या करने का आरोप लगा दिया था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अनुस्थापन के शव के पोस्टमार्टम के बारे में एक अधिकारी ने बात की है। इस बारे में उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है और इससे फोरेंसिक डॉक्टर की मौजूदगी में पूरा किया गया। अधिकारी ने खुलासा किया है कि शाम 4:15 से लेकर 5:15 तक पोस्टमार्टम किया गया। कंगना रनौत ने जनवरी में अपनी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट का ऐलान किया था। एक्ट्रेस ने बताया है कि फिल्म 14 जून को रिलीज होगी। अब फिल्म से जुड़े करीब सोर्स के मुताबिक
रिलीज की नई तारीख तय नहीं की गई है, जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। फिल्म में अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक समेत कई सितारे हैं। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर दोनों कंगना रनौत ही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल मैं आपसे दोबारा मिलूंगी बॉलीवुड की कुछ और नई खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ स्टूडियो अड्डा पर।